सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। बताइए, धन प्राप्त करने के लिए, नाम इज्जत कमाने के लिए, खूब पैसा कमाने के लिए क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? बहुत सारी सकारात्मक उस दिशा में मेहनत करनी चाहिए जिस दिशा में हमें आगे बढ़ना है। अर्थात जीवन में आज जितने लोग सफल हैं, चाहे टाटा, बिड़ला, अडानी, अंबानी, बिल गेट्स इत्यादि, जिनका भी आप नाम जानते हैं, इन लोगों ने बिना मेहनत किए सक्सेस प्राप्त कर ली हो, कैसा है? क्या बिना मेहनत किए सफल हो गए हैं? आज जयपुर में जिनका नाम है, जिनका भी आप नाम जानते हैं, सक्सेसफुली व्यक्ति हैं, क्या वो बिना कुछ किए सक्सेस हो गए? क्या वो दिन में सोते सोते सक्सेस हो गए? क्या वो टीवी क्रिकेट देखते देखते सक्सेस हो गए? इसका अर्थ है, हनुमान जी जब लंका गए तो हनुमान जी से कहा था मैनाक पर्वत ने, हनुमान जी थक गए होगे, थोड़ा सा विश्राम कर लीजिए। तब हनुमान जी ने जो बात कही थी वो आज के युवाओं के लिए संजीवनी बूटी है। हनुमान जी ने कहा था कि राम काज कीन्हे बिनु, मोहि कहाँ विश्राम। जब तक मैं राम जी का कार्य पूरा नहीं कर लेता तब तक मैं विश्राम नहीं करूँगा। यही है वो मूल मंत्र कि आप तब तक काम करते रहें, तब तक चलते रहें जब तक आप सफल नहीं हो जाते। पलट पलट कर पीछे देखने वाले लोग इतिहास नहीं रचते। इसलिए आगे जाना है। बता दो जयपुर के यूथ को, बता दो यहाँ के नौजवान दोस्तों को, भाइयों को और मेरी प्यारी बहनों को कि जीवन में आगे बढ़ना है तो आप सबसे पहले अपने अंदर की ये सोच डिलीट कर दें कि आप ये काम नहीं कर पाएंगे। इस धरती पर, इस संसार में ऐसा कोई काम नहीं है जो आप और हम ना कर सकें। पहले तो नेगेटिविटी मिटाइए। आपके पांव की बेड़ी, पहली बेड़ियां यही हैं जब आपसे दुनिया ये कहती है कि तुम ये नहीं कर सकते, तुमसे ये नहीं होगा। ये जो है ये पहली बेड़ियां हैं, इन्हें काटना पड़ेगा। बोलो मेरी माँ, आप लोगों ने भी सुना होगा ये बात लोगों के मुंह से, ये काम तुम नहीं कर सकते, ये तुमसे नहीं होगा, ये तुम्हारे बस का नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। इस धरती में ऐसा कौन सा काम है जो आप नहीं कर सकते, जो हम नहीं कर सकते? आप बताइए। कल्पना चावला चली गई अंतरिक्ष तक। जब हम चांद तक जा सकते हैं, मंगल ग्रह तक जा सकते हैं, तो बताइए अब हम क्या नहीं कर सकते? करने का जुनून हो, कर गुजरने का भाव हो तो सब हो सकता है, वरना खटिया तोड़ने वाले इतिहास नहीं रचा करते। खटिया तोड़ने वाले इतिहास नहीं रचा करते। जीवन में कुछ करना है तो इतनी मेहनत करो कि पांव में कांटा चुभा है तो उस चुभन को कह दो, उस दर्द को कह दो कि अभी इस दर्द में ठहरने का समय नहीं है। जब आप अपने शरीर के दर्द को ये कहने लग जाएंगे कि दर्द अभी कुछ दिन और रुक जा, अभी तुझे समय देने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, तो दर्द भी अपने आप हाथ जोड़ लेगा, भैया मैं आके करूं क्या, ये तो देखते ही नहीं। गर्मी कब गुजर गई पता ना चला, सर्दी कब गुजर गई पता ना चला, बारिश कब गुजर गई पता ना चला। जीवन में जो सक्सेस हैं उनसे पूछ लो कि ये कौन सा मौसम चल रहा है, उन्हें पता ही नहीं कि मौसम कौन सा है, क्योंकि वो मौसम के हिसाब से नहीं, वो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीते हैं। हमारे लिए तो हर दिन सावन भादो है, हम मान लें।
आपका सावन साल में एक बार आता है, अपना सावन 24 घंटे 12 महीने रहता, अपनी आपकी दीपावली साल में एक बार होती है, अपनी दीपावली 365 दिन होती है, आपकी होली एक दिन होती है, अपनी होली 12 महीने, कब खेलना है बताओ। आई एम रेडी, है ना। तो जीवन में आपको आगे जाना है, सक्सेस होना है, तो उसके कुछ फॉर्मूले हैं। कि पहला फॉर्मूला तो यही है कि आप थके ना, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के पहले पलट कर देखें ना, जमाने की वो बातें सुने ना जो आपको रोक रही हैं, फिर देखो आप सफल हो जाएंगे। आज हमारे देश का यूथ क्या कर रहा है, आपने दुनिया के किसी दूसरे देशों में 2020 ना देखा होगा। हमारे भारत के अतिरिक्त दुनिया के किसी देश में 2020 नहीं होता। क्रिकेट मैच होता है? नहीं होता। क्यों नहीं होता? और होता भी होगा तो वहां लोग बेवकूफ होंगे, इसलिए होता होगा। आज मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करूंगा, बताइए हमारे देश में सबसे ज्यादा क्रिकेट कौन देखता है? नौजवान लोग, हाँ या ना? हमारे देश में सबसे ज्यादा क्रिकेट कौन देखता है? नौजवान बच्चे। अब मुझे आप एक प्रश्न का उत्तर दो कि ये बच्चों का समय क्रिकेट देखने का है या अपने आप को सफल बनाने का है? बोलो। जो वक्त आपको सफल बनाने के लिए आपको अपने आप को देना चाहिए था, जो समय आपको अपने आप में खर्च करना चाहिए था, जिस समय से आप आगे जा सकते थे, आप वही 6-6 घंटे रोज के बिगाड़ रहे हैं। क्या पालोगे? क्रिकेट खेलकर, सॉरी क्रिकेट देखकर क्या पालोगे? 6 घंटे बिगाड़ोगे? जानते हो 6 घंटे की कीमत क्या होती है? 6 घंटे की कीमत क्या होती है? एक बार बिल गेट्स जा रहे थे तो बिल गेट्स के पॉकेट से $50,000 गिर गए। बिल्कुल सत्य घटना कह रहा हूं, जो मैंने उनके इंटरव्यू में सुनी, लोगों के द्वारा भी कही गई ये बात थी। एक बार बिल गेट्स जा रहे थे तो उनके पॉकेट से कुछ निकाला होगा तो $50,000 जमीन पर गिर गए और रबर नहीं लगी थी तो वो $50,000 बिखर गए और हवा चली हल्की सी तो ₹50,000 उड़ गए, आसपास ही उड़े, बहुत दूर नहीं। तो बिल गेट्स ने वो बिखरे हुए पैसे छोड़कर वो जाने लगा आगे, तो लोगों ने कहा सर आपके $50,000 गिर गए हैं, उठा तो लीजिए। बिल गेट्स ने कहा जितना समय मैं इन्हें उठाने में लगाऊंगा उतने समय में $1,00,000 कमा लूंगा। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये नहीं कि आप पैसों की कदर ना करें, आप इसे नेगेटिव ना लीजिएगा, इस कथा को पॉजिटिविटी से समझिएगा कि बिल गेट्स का कहना ये था कि ₹50,000 उठाने में जितना समय लगेगा उतने समय में मैं $1,00,000 कमा लूंगा। मतलब वो आदमी इसलिए सक्सेस हुआ क्योंकि वो समय की वैल्यू जानता है कि समय क्या होता है, क्योंकि वो किसकी कदर करता है? एक आदमी है पैसे की कदर करता है, एक आदमी है समय की कदर करता है। बताओ जीवन में सक्सेस कौन हो सकता है, पैसे की कदर करने वाला या समय की कदर करने वाला? जोर से और जोर से, किसकी कदर करना चाहिए बोलो? पैसा कीमती होता है या समय? इसलिए बिल गेट्स इस धरती में सबसे अमीर व्यक्ति है। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति ने पैसे से ज्यादा समय को समझा है। जो व्यक्ति धन से ज्यादा समय की कीमत करेगा, समय को समझेगा, समय की इज्जत करेगा, समय के महत्व को समझेगा, वही जीवन में कुछ कर सकता है। वरना 6-6 घंटे क्रिकेट देखने वाले सिर्फ खटिया तोड़ सकते हैं, इतिहास नहीं रच सकते। अब आपको ये देखना है
कि आपको खटिया तोड़ू बनना है या कुछ कर गुजरना है, कर दिखाना है। और कर दिखाने के लिए ये बहाने नहीं चलेंगे, आज हमारी तबीयत खराब है, आज काम नहीं करेंगे। अरे ये क्या बात होती है, ये मूर्खों के बहाने होते हैं, तबीयत खराब है काम नहीं करेंगे। अरे ये दास अनिरुद्ध को 102 डिग्री 4 डिग्री भी बुखार होती है तो भी मैं वही काम करता हूँ जो नित्य करता हूँ। कथा सुना, जो काम मैं रोज करता हूँ स्वास्थ्य अच्छा होने पर, स्वास्थ्य बिगड़ने पर भी वो काम करता हूँ। मैं एक दिन का बहाना नहीं करता कि मेरी तबीयत बिगड़ गई। कितनी बार मैंने वो पूरे काम किए हैं बुखार होने पर भी, सिर में दर्द है, बोला नहीं जा रहा। एक बार तो मेरा इतनी स्वास्थ्य बिगड़ गया था, मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था, बोलने की हिम्मत नहीं थी, बैठा नहीं जा रहा था, पर ठाकुर जी ने शक्ति दी और कार्य किया। मैंने आज तक अपने कामों में ये बहाना नहीं बनाया आज मेरी तबीयत खराब है। ना जी, तबीयत खराब है तो तबीयत को बोलता हूँ बाद में खराब हो जाना, अभी मेरा काम खराब मत कर, चल जा बाद में आना, अभी काम करने दे, बाद में फिर देखेंगे तुझे। ये बहाने नहीं कि आज मेरा सिर दर्द है, ये दर्द है। जीवन में आगे बढ़ना है तो सिर्फ राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। आप लोग देखते हैं क्रिकेट, इसलिए इतिहास नहीं रच पा रहे हो और ना रच पाओगे यदि यही तुम्हारे लक्षण रहे तो। यही आदतें रही तो ना कर पाए हो ना कर पाओगे। लिख लेना स्टाम्प पर, साइन हम कर देंगे। क्यों जी, सही है। जीवन में जो सक्सेस हो चुका है उसके पास जाकर बैठो और उससे पूछो कि सक्सेस होने के लिए, एक दिन में कोई सक्सेस नहीं होता, और एक दिन में किसी को सफलता मिल भी गई तो याद रखना वो सफलता टिकाऊ नहीं होती, लंबे समय से जो व्यक्ति सफल होने का प्रयास कर रहा है जब वो सफल होता है तो तूफान ला देता है दुनिया के लिए। इसलिए अपनी तैयारियां अभी से शुरू कर दो अपने सफल होने की। इतिहास रचना है आपको, इतिहास लिखना है आपको। कोई महाराणा प्रताप को एक दिन में नहीं जान गया, उनके एक बलिदान को लोग नहीं जानते, उनके सैकड़ों बलिदान को लोग जानते, उनकी सैकड़ों गाथाएं। क्यों जी, महाराणा प्रताप की गाथा कोई एक नहीं है, सैकड़ों गाथाएं, सैकड़ों कहानियां हैं, वो सैकड़ों बातें हैं जिनसे हम उनसे कुछ सीख सकते हैं। वो आपकी तरह समय नहीं जाया करते थे, वेस्ट नहीं करते थे, बैठे तमाशा देख रहे हैं। जीवन में महाराणा प्रताप के बारे में आप सब जानते हैं कि हल्दी घाटी के युद्ध के बाद जब उनकी सेना कमजोर पड़ने लगी तो वो जंगल चले गए और जंगलों में जाकर के घास की रोटी खाई है, कंदमूल फल खा करके जंगली सेना तैयार की है, और जंगली सेना तैयार करके फिर एक बार हौसला लेकर के फिर दुश्मनों से लोहा लिया है। तो ये क्या है, जीवन में देखो, जीवन में एक व्यक्ति होता है हार जाता है, और एक व्यक्ति वो है जो हारने का नाम ही नहीं लेता। अच्छा बताओ, असफल किसे कहते हैं, असफल व्यक्ति की परिभाषा बताइए, फटाफट बताइए। आपकी जरा सी परिभाषा के लिए समय जाया नहीं करूंगा मैं, बताइए असफल व्यक्ति की परिभाषा क्या है, जोर से। जो व्यक्ति सफल होने के
प्रयास जिसने छोड़ दिए हैं, जिस व्यक्ति ने सफल होने का प्रयास छोड़ दिया है उसे आप असफल कहिए, और जो 100 बार असफल होकर भी यदि सफल होने का प्रयास कर रहा है आप उसे असफल व्यक्ति नहीं कह सकते। 100 बार असफल होने पर 101वीं बार जो सफल होने का प्रयास कर रहा है आप उसे असफल कैसे कह सकते हैं? असफल वो है जिन्होंने सफल होने के प्रयास छोड़ दिए। इसलिए आप क्या हैं? सफल होने की कोशिश है या कोशिश ही छूट गई है? वो उम्मीद ना छोड़िएगा, वो कोशिश ना छोड़िएगा, वो पॉजिटिविटी ना छोड़िएगा, वो अपनी सकारात्मकता ना छोड़िएगा। 100 बार हार कर इंसान 1 बार जीत जाता है, और 1 बार जीत गया तो 100 बार की हार ही उसे जिता देती है। इसलिए विश्वास भगवान पर रखिएगा और कर्मशील व्यक्ति बनिएगा, कर्म करते रहिएगा। कर्म ना करने वाले से कर्म करने वाला श्रेष्ठ होता है। एक बात बताइए, एक पढ़ा लिखा इंजीनियर, टॉप किया हुआ लड़का कुछ नहीं करता। जयपुर में एक पढ़ा लिखा टॉप बच्चा, हर सब्जेक्ट में टॉप किया, बड़ा नाम, बड़ी इज्जत शिक्षा के क्षेत्र में बनाई, टॉपर है, पर वो कुछ नहीं करता। और इसी जयपुर में एक वो आदमी है जो कम पढ़ा लिखा है, पर वो सोचता है कि मैं खाली ना बैठूं, कुछ करूं, तो वो कुछ करता है। छोटा सा बिजनेस ही स्टार्ट कर लिया उसने, कुछ भी एक्स वाई जेड कुछ भी कर लिया। तो एक कम पढ़ा लिखा है पर कुछ कर रहा है, और एक ज्यादा पढ़ा लिखा है पर कुछ कर नहीं रहा है। तो बताइए, कर्म ना करने वाले से कर्म करने वाला श्रेष्ठ है या नहीं? बताओ। कई लोग तो इसलिए काम नहीं करते, अरे मैं तो ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, मैं ये नौकरी क्यों करूं? अरे जब आप ज्यादा ही पढ़े लिखे हैं तो नौकरी ही क्यों करना, नौकरी लेना ही क्यों? आप तो पढ़े लिखे हैं, नौकरियां देने वाले बन जाओ ना। नौकरियां लेने वाले में उनको रहने दो जो कम पढ़े लिखे हैं। हम ये नहीं कहते तुम महीने के लाखों कमाओ, महीने के 50,000 भी कमाओ, ये भी कोई बात नहीं है, पर मैं ये कहूंगा कि कुछ ना कमाने से अच्छा है कुछ कमाओ, कुछ ना करने से अच्छा है कुछ करो। ना करने की अपेक्षा कर्म करने वाला श्रेष्ठ है। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। कुछ ना करने की अपेक्षा कुछ करना श्रेष्ठ है। इसलिए ये कथा आज की अपने बच्चों को जरूर सुनवाइएगा, ताकि इस कथा से प्रेरित होकर बच्चे भी कुछ करें। और जीवन में सक्सेस वही है, सफल वही है जो सफल होकर भी अन्य सफलताओं का प्रयास करता रहता है। ये नहीं कि सक्सेसफुल हो गए, हम सफल हो गए, अब छोड़ दो, अब कुछ नहीं। ना, आप प्लस हैं, माइनस होना स्टार्ट हो जाएंगे यदि आपने छोड़ दिया प्रयास। तो सफल, देखो, सक्सेस हो जाना बड़ी बात नहीं है, सफल हो जाना बड़ी बात नहीं है, उस सफलता को बनाए रखना, उस सफलता को मेंटेन करना, ये बड़ी बात है। सफल हो जाना बड़ी बात नहीं है, सफल बहुत लोग हो गए पर वो सफलता को मेंटेन ना कर पाए, वो सफलता को मेंटेन ना कर पाए, इसलिए प्लस थे माइनस हो गए। तो सक्सेस हो जाना बड़ी बात नहीं है, बनाए रखो उस स्थिति को। और ये सारी चीजें कैसे होंगी? पॉजिटिविटी से। इसलिए कहता हूं कथाएं सुना करो, कथाएं सुनने से ही ये सकारात्मकता आएगी। हमारे राम जी कितने पॉजिटिव हैं, रावण ले गया माता सीता को, चलो मैं राम जी की पॉजिटिविटी समझाता हूं।
रावण ले गया सीता को। अब राम जी के पास ना खुद की सेना थी, ना खुद का रथ था, ना खुद का कोई मंत्री संतरी, कुछ भी नहीं। लेकिन फिर भी राम जी ने हिम्मत नहीं हारी और राम जी चलते गए। जंगल की बंदर भालुओं की सेना तैयार करते गए, किसको जोड़ते गए। जबकि राम जी एक आवाज लगा देते तो अयोध्या की सेना आ जाती, ससुराल पक्ष की सेना आ जाती, जनकपुर की सेना, जनकपुर की सेना से, जनकपुर के राजा से रावण डरता था, जनक जी से रावण डरता था, दशरथ जी से रावण डरता था। यहाँ की सेना इतनी पावरफुल थी कि रावण डरता था, रावण पंगा नहीं लेता था इन लोगों से, ना जनकपुर से ना तो अयोध्या से। राम जी तुरंत चाहते तो बुला लेते सेना, अयोध्या की सेना आ जाती, जनकपुर की सेना आ जाती, रावण से युद्ध हो जाता। लेकिन नहीं, राम जी ने ना ससुराल को परेशान किया ना अयोध्या को परेशान किया। राम जी की लीडरशिप क्या है जरा देखिएगा, लीडर कैसा होना चाहिए। लीडर वही है जो हार ना माने, जिसके पास कोई पावर ना था फिर भी उन्होंने जंगल की सेना इकट्ठी की, बंदर भालुओं की सेना तैयार की और इन बंदर भालुओं के बल पर रावण जैसे दिग्गज को धूल ही चटा दी। ये राम जी का देखो नेतृत्व था। राम जी का नेतृत्व कैसा, कैसे लीडर है राम जी। राम जी के लीडर ऐसे हैं, राम जी की पॉजिटिविटी देखिए कि वो बंदर भालुओं के बल पर खड़े हैं और बंदर भालुओं को क्या सिखाते हैं। जब कुंभकर्ण आया और कुंभकर्ण ने अपने पांव के नीचे एक पांव रखता तो 100-200 बंदर भालू मर जाते। उसका वो इतना विशाल था ना कुंभकर्ण कि पांव रखता तो 100-200 तो एक पांव से, दूसरा पांव रखता तो 100-200 तब मर जाते। अब सारे बंदर भालू डर गए, दौड़े दौड़े राम जी के पास आए। प्रभु प्रभु बड़ा आया है वो कुंभकर्ण, वो बहुत मार रहा है, हमारी सेना खत्म कर देगा। राम जी बोले चिंता ना करो। राम जी ने कहा कि हम हैं। अब देखो सामने इतना बड़ा योद्धा खड़ा है जिसके पांव रखने से 100-200 लोग मर रहे हैं, लेकिन उस समय भी राम जी पॉजिटिव हैं, अपनी सेना को क्या दे रहे हैं, पॉजिटिविटी। ना हिम्मत ना हारो, डरो मत, हौसला रखो, चलो हम चलते हैं। राम जी गए, कुंभकर्ण से युद्ध किया, कुंभकर्ण मारा गया। जब लीडर सक्सेस होता है तो उसकी फौज, उसकी सेना, उसका कॉन्फिडेंस डबल हो जाता है, हम बढ़िया आदमी के साथ हैं, हमारा नेतृत्व करने वाला व्यक्ति बढ़िया संभाल लेता है मोर्चे को। राम जी के पास एक चुनौती और थी, रावण तक। अच्छा, रावण रहता था लंका में अर्थात समुद्र के उस पार। अब उस पार तक राम जी तो चले जाएंगे, राम जी तो भगवान है, हनुमान जी चले जाएंगे, वो तो छलांग मार के चले गए, पर ये बंदर कैसे जाएंगे। तो बंदरों के लिए क्या करें, सेतु तैयार करें। सेतु कैसे बनाएं, कहां से आर्किटेक्ट ले आए, कहां से इंजीनियर पकड़ के लाएं, कहाँ से व्यवस्था करें, कंक्रीट कहाँ से लाएं, सरिया कहाँ से लाएं, क्या क्या करें, कौन माथा फोड़ी करे, कौन माथा पच्ची करे, क्या करें। अब तो राम जी ने प्रार्थना की, समुद्र मान जाओ, रास्ता दे दो ईमानदारी से। जब नहीं माने, क्रोध में आकर अग्निबाण निकाल लिया, सुखा देंगे सारा समुद्र। चरणों में गिर पड़े, कहा सेतु का निर्माण। नल नील बड़े बुद्धिमान थे, पत्थर पर एक पे रा लिखा, दूसरे पे माँ लिखा, पत्थर जुड़ते गए और सेतु तैयार हो गया। राम जी के जीवन में जितनी बड़ी चुनौतियाँ थीं, हमारे जीवन में इतनी बड़ी चुनौतियाँ कभी हो ही नहीं सकती। और राम जी ने हर चुनौती से लड़ना सीखा है। इस संसार में एक भी आदमी ऐसा नहीं है जिसके जीवन में संकट ना आते हों या ना आया हो। कोई संकट आने पर परेशान हो जाता है, कोई हार जाता है, तो कोई संकट आने पर और मजबूत होकर उस संकट से लड़ करके संकट को पराजित कर देता है। हाँ।
हाँ मुसीबतें तो आएंगी आएंगी। आप ये सोचें आए ना, हो नहीं सकता। राम जी के जीवन में भी आई, पर राम जी आगे बढ़ते चले, बढ़ते चले, बढ़ते चले। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय।